हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। तो गाइज, लंका प्रीमियर लीग का 6th मैच होने वाला है 4th अगस्त दोपहर को 3 बजे पालकेले क्रिकेट स्टेडियम पर बिलव कैंडी और दम्बोला ओरा के बीच। तो चलिए बात कर लेते हैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और विनिंग प्रेडिक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पालकेले क्रिकेट स्टेडियम की पिच के बारे में। तो पिच का फ्लैट सरफेस है, जो कि हमारे बैटर्स की काफी ज्यादा मदद करता है। काफी अच्छी अमाउंट में बाउंस मिलता है, तो हमारे बॉलर्स की भी मदद हो जाती है। बैटर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, पर हमारे पेसर्स भी पीछे नहीं है, वो भी विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। फास्ट आउटफील्ड और शॉर्ट बाउंड्रीज के चलते यहाँ पर अच्छे खासे स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करते हैं। तो पेसर्स ने लास्ट 10 मैचेस में 60% विकेट निकाले हैं, वहीं स्पिनर्स ने 40% निकाले हैं। तो आप देख सकते हो पेसर्स ज्यादा विकेट निकालते हैं, बट स्पिनर्स भी काम आते हैं, क्योंकि 40% विकेट तो इन्होंने भी निकाले हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिलव कैंडी के लास्ट 3 मैचेस के बारे में। तो बीएलके का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। लास्ट के 3 मैचेस में ये मैच हार गए हैं। लास्ट मैच इनका जीटी के साथ हुआ, जीटी ने टारगेट दिया 180 का, बट बीएलके 97 पर ऑल आउट हो जाती है और 83 रन से मैच को हार जाती है। उससे पहले आप देखोगे सीएस के साथ मैच हुआ था, तो सीएस 157 बनाती है और बीएलके चेज नहीं कर पाता, 130 पर 8 विकेट्स गंवा देता है। 20 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं और ये मैच 27 रन से बीएलके की टीम हार जाती है। और वहीं आप देखोगे उससे पहले भी सीएस के साथ मैच हुआ था, जहां पर जो है बीएलके 168 बनाती है और जो है हमारी टीम दूसरी सीएस की 169 बना देती है और बीएलके ये मैच फिर से 6 विकेट से हार जाती है। तो आप देख सकते हो कि बीएलके का थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम अच्छा रहा है, क्योंकि कहीं ना तो ये चेज करते हुए जीत पाए हैं और ना ही ये डिफेंड करते हुए जीत पाए हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि बीएलके के प्लेयर्स और अच्छा खेलें और एक मैच तो जितवा ही दे अपनी टीम को। आगे चलते हैं और आप देखोगे डीए के यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो डीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लास्ट के 3 में से 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं और एक मैच ये हारे हैं। लास्ट मैच इनका जेके के साथ हुआ था, जेके वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में, और दम्बोला और उन्होंने तो उन्हें ही हरा दिया था। जेके 129 बनाती है 7 विकेट्स के नुकसान पर और डीए चेज कर लेती है 132 बनाती है और 8 विकेट से ये मैच जीत जाती है। उससे पहले जीटी के साथ मैच हुआ था, काफ़ी टक्कर का मुकाबला हुआ था, क्योंकि आप देखोगे जीटी यहाँ पर 180 बनाती है और डीए भी 180 बना देती है, मैच टाई कर देती है। वहीं सुपर ओवर होता है और सुपर ओवर में डीए की टीम हार जाती है, तो थोड़ा सा दुख होता है डीए को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जीटी के टारगेट तक पहुँच गए, लेकिन टाई होने के बाद वो हार गए थे सुपर ओवर में। उससे पहले आप देखोगे जीटी के साथ ही मैच हुआ था, जहाँ पर ये जीते थे, जीटी 129 का टारगेट देती है और डीए 134 बनाती है और मैच 4 विकेट से जीत जाती है। तो ये हो गए हमारे लास्ट 3 मैचेस डीए के भी। आगे चलते हैं टीम कंपैरिजन की बात करते हैं। ऑन वेन्यू की अगर हम बात करें ना, बिलव कैंडी ने पालकेले पर 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 60% मैचेस जीते हैं, 149 एवरेज है, 193 हाईएस्ट है। वहीं अगर डीए की बात करूं तो इनका विनिंग रेशियो थोड़ा सा कम है, क्योंकि 4 में से 25% मैचेस जीते हैं, 150 एवरेज है, हाईएस्ट 207 है। विनिंग रेशियो में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे है दम्बोला और लेकिन एवरेज अगर हाईएस्ट देखोगे आप तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों टीम्स में। और आप देखोगे ज़्यादा मैचेस यहाँ पर बिलव कैंडी नहीं जीते हैं, और आप देखोगे मैच एक ज़्यादा खेला हुआ है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 10 बिलव कैंडी ने खेले हैं तो 5 दम्बोला और ने किया, ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है। 5 ही बिलव कैंडी ने खेले हैं और 4 दम्बोला और ने खेले हैं। अगर विनिंग रेशियो की बात करोगे तो थोड़ा सा कम है दम्बोला और का, बट अगर आप लास्ट मैच देखोगे दम्बोला और के तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है दम्बोला और की टीम इस समय पर, और हारने का तो बहुत कम चांस है कि दम्बोला हारे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है इस सीज़न दम्बोला और शुरुआत से ही। आगे चलते हैं हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों ही टीम्स के बीच। अब तक 6 मैच हुए हैं, 3 जीते हैं बिलव कैंडी ने और 3 ही जीते हैं दम्बोला ओरा ने। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच पहले भी टक्कर की जो है मुकाबला हुआ है, टक्कर की जो है मैचेस खेले गए हैं दोनों के बीच, काफ़ी अच्छा खेला है दोनों ही टीम्स ने। 3 मैच दम्बोला ने जीते, 3 जीते बिलव कैंडी ने। वहीं अब देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बिलव कैंडी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की।
तो यहाँ पर जिनेश चांदीमल है विकेट कीपर। लास्ट मैच में देखोगे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, जीरो पर आउट हो गए थे। उससे पहले 10 रन्स, उससे पहले 34 रन्स। थानुका दबारे की बात करें तो 12 रन्स 4 रन 7 रन्स। तो आप देख सकते हो ओपनर से तो बहुत एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे हैं। कामिंडू मेंडिस की अगर बात करूँ ऑलराउंडर हैं ये, लास्ट मैच में 3 रन्स 15 रन्स 23 रन्स। और अगर बॉलिंग की बात करोगे तो बॉलिंग में भी विकेट ये नहीं निकाल पाए हैं। एंग्लो मैथ्यू ऑलराउंडर है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट अगर आप अभी देखोगे इनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है। लास्ट मैच में भी 2 रन बनाए थे, उससे पहले 25 रन, उससे पहले 9 रन, और बॉलिंग में भी विकेट ये नहीं निकाल पाए थे। एशन भंडारा ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़े बहुत रन बना के दिए, 27 रन 19 बॉल्स पे 12 रन 17 रन्स। तो ये थोड़ा सा अच्छी फॉर्म चल रहे हैं और लास्ट मैच में इन्होंने स्कोर भी बना के दिया है। वानिंडू असरंगा एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, बट अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो लास्ट के 2 मैचेस में तो इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए हैं, उससे पहले 29 रन। बॉलिंग में 1 मैच में 1 विकेट निकाला है, बट 1 मैच में विकेट नहीं निकाल पाए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर आसिफ अली। तो आसिफ अली जो है कि एक ओवरसीज़ प्लेयर है, उनकी तरफ से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। लास्ट के 3 मैचेस में स्कोर देखोगे तो बहुत ही एवरेज स्कोर है, 3 रन 21 रन 18 रन। बट एक चीज़ है ये कि ये फास्ट खेलते हैं तो कम बॉल में ज़्यादा रन बना के देते हैं, बस अगर थोड़ा सा और टिक के खेलेंगे तो अच्छा खासा स्कोर बना के दे सकते हैं अभी लव कैंडी के लिए। ये आमिर जमल है यहाँ पर ऑलराउंडर, बैटिंग में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे हैं, 6 रन 7 रन 1 रन ही है। बॉलिंग में भी 1 मैच में विकेट, जहाँ इन्होंने 1 विकेट निकाला वहाँ पर रन ज़्यादा दिए हैं, 43 रन्स। तो देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसुरु उड़ाना है यहाँ पर ऑलराउंडर है, बैटिंग में आप देख लो 16 रन 7 रन 0 रन, और बॉलिंग में आप देखो 1 मैच में 3 विकेट गिराए और 1 मैच में 1 भी विकेट नहीं गिराया। तो ठीक है, बॉलिंग में कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं टीम की। मुजीबुर रहमान राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है हमारे, बट लास्ट के 3 मैचेस से अच्छी फॉर्म में नहीं देखने को मिला, क्योंकि 3 में ही विकेट नहीं निकाल पाए हैं। मोहम्मद हसनैन राइट आर्म फास्ट बॉलर है, फिर भी आप देखो 2 मैचेस में कंटिन्यूसली इन्होंने विकेट गिराया, 1 मैच में 1 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं गिरा पाए थे। तो आप देख सकते हो बिलव कैंडी के प्लेयर्स कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं दिख रहे हैं, ना तो इनसे स्कोर बन पा रहे हैं ना ही इनसे विकेट गिर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो बिलव कैंडी ने जो अपने लास्ट 3 मैचेस हारे हैं, उनका परफॉर्मेंस जो रहा है लास्ट 3 मैचेस में, वो क्यों ऐसा रहा है, क्यों उन्होंने लास्ट मैचेस हारे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखोगे रन्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं बिलव कैंडी के प्लेयर्स से, ना ही विकेट गिर पा रहा है। एशन भंडारा ने जो है 27 रन बना के दे दिए थे, तो ठीक है वो थोड़ा बहुत, और वहीं उनके बाद आप देखोगे जो है थानुका ने 12 रन बना के दिए थे, अदरवाइज कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने थोड़े भी अच्छे रन बना के दिए हों। तो बॉलिंग की भी आप देखोगे, बॉलिंग में यहाँ पर 1-1 विकेट निकाल रहे हैं ऑलराउंडर भी, मेन बॉलर्स भी, मेन बॉलर तो यहाँ पर 2 ही लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एटलीस्ट इनको 3 मेन बॉलर भी रखने चाहिए अपने पास, वो भी थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में जो चल रहे हो, जो विकेट निकाल पाए, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1 मेन बॉलर जो हमारे स्पिनर है वो विकेट निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे पेसर हैं उन्होंने अपने लास्ट के 2 मैचेस में काम अच्छा किया, बट एक ही पेसर कहाँ तक कितने जो है विकेट गिराता रहेगा, क्योंकि एक हमारे बॉलर को 4 ही ओवर दिए जाते हैं मैक्स टू मैक्स। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं बॉलर्स और बैटर्स दोनों की तरफ से लैग कर रही है बीएलके की टीम यहाँ पर। आगे चलते हैं डीए की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ओपनर में है अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस। अविष्का का तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में भी 52 रन्स बना के दिए 32 बॉल्स पे, उससे पहले थोड़ा सा डगमगा गई थी फॉर्म, 1 ही रन बना पाए थे, उससे पहले 97 रन्स। तो काफ़ी अच्छा मैच रहा अविष्का का लास्ट। तो कुशल मेंडिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर है श्रीलंका की टीम के, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लास्ट मैच में भी 39 रन्स बना के दे देते थे, उससे पहले 2 मैचेस में एवरेज सही परफॉर्मेंस आ रहा था। कुशल परेरा है 29 रन 1 रन 6 रन, तो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है लास्ट के मैच में, उससे पहले 2 मैचेस में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे थे। धनंजय डे सिल्वा एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये डीए की टीम के यहाँ पर। लास्ट मैच में देखोगे 43 रन, उससे पहले 57 रन, उससे पहले 10 रन्स। बॉलिंग में भी 2 मैचेस में 1-1 विकेट गिराया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एलेक्स रोज यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है ओवरसीज़ की, क्योंकि आप देखो लास्ट मैच में 34 रन 22 बॉल्स पे, 40 रन 25 बॉल्स पे, 33 रन 21 बॉल्स पे। तो आप देख सकते हो कम बॉलर में ज़्यादा रन हिटिंग करके खेलते हैं काफ़ी अच्छा, इतना एवरेज स्कोर बना के दे देते हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन अगर और टिक्के और ज़्यादा रन बना के दे तो और अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर सदीरा। सदीरा की तरफ से ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस आया, बहुत ज़्यादा तो रन नहीं बना के दिया, बट हाँ ठीक है एवरेज, लोअर पोजीशन पर आते हैं वैसे भी बैटिंग करने, तो ठीक है इतना जो रन बना के दे देते हैं, बट अगर थोड़ा सा और टिक कर खेलेंगे एटलीस्ट 30-25 रन बना के देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इनकी टीम के लिए।
रविंडू फर्नांडो ऑलराउंडर है यहाँ पर, थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है रविंडू का अभी, क्योंकि लास्ट मैच में देखोगे 13 रन 0 पे आउट, 19 रन, बॉलिंग में भी विकेट नहीं निकाल पा रहे। वैसे इनको ओवर भी कम ही दिए जाते हैं कभी भी, अभी तक जो मैचेस इन्होंने खेले हैं वहाँ पर इनको 4 ओवर नहीं दिए गए हैं, 1 या 2 ओवर में ही इनको बॉलिंग करने का मौका मिलता है। हेडन कह रहे हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ओवरसीज प्लेयर है। बैटिंग अगर आप देखोगे तो ठीक करी है लास्ट मैच में, क्योंकि 10 बॉल में 20 रन बना के दिए हैं, उससे पहले तो ये दूसरे मैचेस के में खेल रहे थे। वहीं बॉलिंग में भी एक मैच में विकेट निकाला है, एक मैच में विकेट नहीं निकाल पाए थे। बिनूरा फर्नांडो यहाँ पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है हमारे, तो लास्ट मैच में 3ों में विकेट इन्होंने गिराया, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और रन्स भी ज़्यादा नहीं दे रहे, ठीक ठाक रन्स दे रहे हैं। शाहनवाज दहानी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, ये भी एक और इंपॉर्टेंट बॉलर है यहाँ पर टीम के पास। लास्ट के 3ों मैचेस में देखोगे आप कमाल फॉर्म रही है, क्योंकि 3ों मैचेस में विकेट इन्होंने गिराया है यहाँ पर। नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, तो देखते हैं कि नूर अहमद क्या कमाल दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब ने देखा था IPL में भी नूर अहमद ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वहीं आप देखो लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं है, उससे पहले 2 विकेट। तो ये है DA की टीम, तो आप देख सकते हो DA की टीम में आपको स्कोर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो अविष्का ने लास्ट मैच में 52 बनाया, धनंजय ने 43 बनाया, कुशल मेंडिस ने 39 बनाया है, एलेक्स रोज ने 34 बनाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब के सब प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रन्स में और साथ ही बॉलिंग में भी, क्योंकि आप देखो 3ों हमारे बॉलर्स की कमाल की फॉर्म रही है, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, वहीं ऑलराउंडर्स भी काफ़ी मदद कर रहे हैं विकेट गिराने में। तो आप देख सकते हो BL के और DA का अगर हम कंपेरिजन करें तो DA की फॉर्म अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि इनकी तरफ से रन्स भी आ रहे हैं और ये विकेट भी गिरा रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो आप देखोगे विकेट कीपर में हमने लिया है कुशल मेंडिस को, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, काफ़ी अच्छे रन बनाते के देते ही हैं। बैटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अविष्का फर्नांडो है, आसिफ अली, एलेक्स रोज और ए भंडारा है, 3ों 4ों प्लेयर्स हमारे बैटर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। आसिफ अली बेशक लास्ट के मैच में नहीं चल पाए, बट ओवरसीज प्लेयर है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर और ये देंगे भी, क्योंकि हमने इनको देखा है और जो इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हुए तो ये काफ़ी अच्छे रन्स बना के देते हैं। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो वानिंडू हसरंगा है, धनंजय दे सिल्वा है और एंग्लो मैथ्यूज़ है। हमने कैप्टन बनाया है धनंजय दे सिल्वा को, क्योंकि ये एक काफ़ी सेफ पिक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से करते हैं, अगर ये कभी बैटिंग से भी नहीं करेंगे ना तो बॉलिंग से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो ये एक बहुत ही ट्रस्ट फॉर दी प्लेयर है यहाँ पर और इनको कैप्टन बना देना है। वाइस कैप्टन हमने वानिंडू हसरंगा को बनाया है, बेशक अभी थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा है हमने इनको बहुत सारे नेशनल मैचेस में और IPL में भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर भी आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉलर्स पे, तो नूर अहमद है, मोहम्मद हसनैन है और शाहनवाज दहानी है, 3ों के 3ों बॉलर्स तीनों के तीनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो इनसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये विकेट हमें निकाल के देने ही वाले हैं, क्योंकि सब के सब 3ों बॉलर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। तो गाइज़ ये थी हमारी बिलव कैंडी और दम्बोला ओरा की मैच प्रिडिक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ, ये हमारी ड्रीम 11 टीम बेस्ड है हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे, और प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है तो फाइनल प्लेइंग 11 जब आती है तो एक और ड्रीम टीम हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, पर वो करते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। कोई ऐसा चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको ड्रीम 11 टीम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ड्रीम 11 अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर।